जय हिंद, मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सन ऑफ सोसाइटी में। अभी मैं केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में हूं और मैं यहां पे एक साइट पे आया हूं जहां पे मिट्टी कटिंग का काम हो रहा है। आज के वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो भी मतलब जैसे हाईवे बनते हैं, रोड बनते हैं, तो उसको में सबसे इम्पोर्टेंट जो भी मटेरियल लगता है वो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से ही हाईवे बनता है। तो मिट्टी जहाँ पे भी ज़्यादा मात्रा में होता है और जहाँ पे अननेसेसरली मिट्टी होती है वहाँ से कटिंग करके उसको और जहाँ पे रोड बनता है वहाँ पे फिल किया जाता है। तो यहाँ पे भी मिट्टी का कटिंग चल रहा है और ऐसा बात है कि मतलब जहाँ पे मिट्टी होता है तो वहाँ पे कुछ पेड़ पौधा भी होते हैं, तो पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, पेड़ पौधों को काटा जाता है और उसको क्लीन किया जाता है। इसके बाद मिट्टी को कटिंग शुरू होता है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि मिट्टी कटिंग मशीन, एक्सकावेटर लगे हुए हैं। तो ये वीडियो खास करके वो सिविल इंजीनियर्स, जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी पेड़ जो भी कटा हुआ होता है तो उससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज हमारा जो हाईवे बनता है उसको बहुत हम लोग यूज करते हैं। हाईवे भी बनाना बहुत ज़रूरी है देश के ग्रोथ के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। तो हाईवे भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग को पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि जहां पे भी कटिंग होता है मिट्टी और जो भी कंपनी ऐसा मिट्टी कटिंग करती है, तो वहां पे कुछ जितना पेड़ वो वहां से कटाई होती है तो उसके बदले में कुछ नए पेड़ लगाए जाते हैं। तो वही वीडियो में आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पेड़ को लगा करके और रोज़ जब तक काम चलता है और जब तक पेड़ ग्रो नहीं हो जाते हैं तब तक उसमें वाटरिंग दिया जाता है, उसमें पानी दिया जाता है, ताकि पेड़ एक नया पेड़ पौधा जो है से पेड़ का रूप ले सके। आपको आपको दिखाई दे रहा होगा शायद मेरे पीछे एक टैंकर लगा हुआ है जो कि यहाँ पर रोज़ साइट पर पानी डालने के लिए आती है पौधों में और डाल करके जाती है। आपको मैं नज़दीक से दिखाऊँगा कि कितना छोटा छोटा अभी पौधा है और पानी डालने के बाद अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, कितना पौधा है, कौन कौन किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। और फ्रेंड, आपको अगर मेरा वीडियो अब इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको ये पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देख सकते हैं ये व्हीकल है जिससे पानी आता है रोज और पौधों को पानी डाला जाता है। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कि कहाँ पौधा लगा हुआ है, किस तरह का लगा हुआ है। तो जिनको भी मन में डाउट रहता है कि सिविल इंजीनियर्स देश को चलाने के लिए रोड बनाते हैं तो उसके लिए पर्यावरण को नुकसान करते हैं, पेड़ पौधों को कटिंग करते हैं, तो वो इस वीडियो से जान लेंगे कि पेड़ को जितना कटिंग किया जाता है उसके दुगने मात्रा में पौधों को लगाया भी जाता है और न केवल लगा करके छोड़ दिया जाता है, उसको ग्रो भी किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है, एक ये पौधा लगा है, एक ये है और ये देखिए ये नारियल का पौधा लगा हुआ है जो कि इसमें भी पानी डली है, ये ग्रो हो भी चुका है बहुत अच्छा खासा। और अभी और दिखाता हूँ मैं, यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सारा आपको पौधा दिखेंगे, छोटे छोटे पौधे हैं और नीचे जो हैं से भाई साहब ये पौधा में पानी डाल रहे हैं, रोज़ यही पौधा में पानी डालने के लिए आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा, आपको यहां से कुछ सीखने को मिला होगा कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, कि कंस्ट्रक्शन में जो भी कंपनियाँ कार्य करती हैं तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कौन से कदम उठाती है, क्या पौधे को जितना कटिंग करती है उसके बारे में लगाती है, उसके बदले में लगाती है कि नहीं।